एक और कॉलर हमारे साथ है, आयशा है हमारे साथ हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। आयशा क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो मेरे बाबा हैं, उन्होंने मेरी शादी मेरी फूफो के घर मेरी बगैर मर्जी के तय कर दी है और मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ, तो मैं आप लोगों से मशवरा भी चाहती हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे बाबा किसी सूरत बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा ठीक है आयशा, अभी हमारे साथ उमा कराम मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं। लेकिन उससे पहले जो जैसे कॉलर थी और वो बता रही थी, दोनों हमारी जो खाने वाल से भी और कराची से शहनीला भी थी, वो ये कहती कि उनके हस्बैंड ने शादी कर ली और मुड़ के नहीं देखा, तो फिर क्या अल्लाह पाक की जानिब से ऐसे लोगों के लिए क्या? मेरा तो ये सवाल आता है ऐसे मर्दों के लिए, क्या उनको अपने ईमान का रिवाइज करना चाहिए कि क्या वो मुसलमान भी हैं? सही, मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ। जब अल्लाह ताला बड़ी प्यारी उन्होंने आयत मुबारक पढ़ी है 20 सूरह निसा की, वह इन खिफ्तुम, और तुम्हें अगर खौफ हो तो मैं, एक बुज़ुर्ग ने पूछा एक नौजवान से, कहा कि बेटा अगर कोई तुझसे पूछे ना कि तू क्या तू अल्लाह से डरता है, तो खामोश रहना। पूछा क्यों? पूछा इसलिए कि अगर तूने कहा मैं अल्लाह से नहीं डरता तो तू काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तूने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ तो तेरा अमल अक्कासी नहीं कर रहा। तू अल्लाह से डरता होता तो किसी का हक गसब करता, अल्लाह से डरता होता किसी को झूठ बोलता, किसी को मारता। मतलब अल्लाह से डरने का जो एक कॉन्सेप्ट है, अल्लाह से डरो जैसा कि उसका हक है, यही अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया ना कि अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। ये सारा हुआ है हमारा बेखौफी से, अल्लाह से हो गए हम बेखौफ। नतीजा क्या हुआ है? कौन है मेरी वोटी? चुप कर दिया, नहीं तो तीन जो बोल के तेन फारिग कर देंगे। Who the hell you are to say that? आपको किसने इख्तियार दिया कि आप जो है ना तीन जुमले बोल करके इकट्ठे किसी को फारिग कर दें? आप कोई खुदा है? अपने मामलात को, अपने औकात को याद करें मर्द। मैं जी उठ के मैं कौन से चार चार शादियां करने का हुक्म है? खिफ्तुम क्यों भूल जाते हो, खौफ क्यों भूल जाते हो? क्या इतना आसान है कि आप कभी आप दूसरी शादी कर ली और आपने जो पहली बीवी है उसको छोड़ दिया, ना उसके नानुफ़े का आपने ख्याल किया, ना उसके बच्चों को देखा, ना फिर आपने औरत के जो आपकी पहली बीवी है उसके राइट्स का ख्याल किया? देखिए ये इंतहाई इफरात और तफरीत की सूरत है, ये इसको इफरात ही कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। और मैं कॉलर्स भी कह दूँ, जब एक ऐसे टॉपिक की बात हो रही है, ये तस्कीन नफ्स तो हो सकता है, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए तो वही कर सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में वो एक पूरे खानवादे की अख्तलफी कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ शरी हदूद अपने मुकाम पर है, मैं समझता हूँ कानून के अंदर कोई ऐसी सख्त शिक होनी चाहिए कि ऐसे जो मैं आवारा बैल कहूँगा ऐसे लोगों को, ऐसे आवारा बैलों को नकेल डाली जाए कि जो किसी की बहन बेटी को जो है वो बस अपने मर्द होने का इस्तेमाल करते हुए दूसरे को गुजरा, औरत तो छोड़ो उसे इंसान तसव्वुर नहीं करते। अभी आप बता रही थी जैसे कि लड़का ये तय करके बैठ जाएगा मैंने तलाक देना ही नहीं है, अब देखता हूँ तेरा क्या होगा। तुम्हें खौफ खुदा नहीं है कि तुम्हारे आगे अपनी बहन बेटी है, या शायद तुम्हें अल्लाह ने बहन बेटी दी ही नहीं होगी इसीलिए कि तुम्हें दूसरे की बहन बेटी की कदर नहीं है। तो मैं समझता हूँ जहाँ शरीयत, देखिए शरीयत ने कहीं पर भी औरत या मर्द के लिए कोई इफराद तफरीत ज्यादती नहीं रखी है, यह हमारी खुद की सेल्फ इंटरप्रिटेशन है जो हम आधी आधी चीज़ें अपने मतलब की मीठी मीठी बताते हैं ना, वहाँ लग रहा होता है कि शायद इस्लाम में नाउज़ुबिल्लाह जो है वो औरत की क्या तल्फी की है। जितना बड़ा हुकूक इंसानी का अलमबरदार ख़वातीन के हुकूक का अलमबरदार इस्लाम है, इतना कोई दुनिया में दिन नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ इन मामलात में उवैस भाई ने जैसे फरमाया कि निकाह से पहले कपड़े देखने लड़की जा रही है मॉल के अंदर के मैं ये पहनूंगी, उसने कभी ये कहा निकाह नाम तैयारी हो जाती है, मेरा दूल्हा शेरवानी देखने जा रहा है, वो फोटोशूट्स देखने जा रहा है, वो बैंक्वेट्स देखने जा रहा है, उसने कभी ये कहा कि निकाह नामा सामने रख के हमें समझाया जाए? इस चीज ने हमें बड़ा बर्बाद किया। आप देखिएगा शादी के दिन जितनी रसूमात होती हैं और जितनी ख्वाहिशात की तकमील होती है, ऐसा लगता है कि वो जस्ट फॉर द मोमेंट होते हैं ना, स्पैन ऑफ टाइम के लिए सब कुछ होता है और इंसान तवक्कुआत लगा लेता है उसी दूल्हा और दुल्हन और उस रसूमात के साथ। देखिए निकाह में जो चीज शर्त रखी गई है वो इजाब व कबूल है, दो लोगों का आपस में कबूल करना एक दूसरे को, और तीन मरतबा यानी तकरार है उसमें। हम जब मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जब पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि जब तुम कहते हो ना कि कबूल है, तो तुम उस दुल्हन को नहीं कहते कबूल है जो दो घंटे मेकअप रूम से होकर आई है और जिसने लाखों रुपए का जोड़ा पहना, वो तो हर किसी को कबूल होनी है उस आलम में, तो वो है ही इंतहाई काबिल कबूल, मगर उस वक्त भी कबूल है जब उसे गुस्सा आएगा, जब वो चिड़चिड़ी हो जाएगी, जब वो बीमार हो जाएगी, सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स, जब 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 वो अपने घर के मामलात को हैंडल नहीं कर पाएगी, जब उससे गलती होगी, कहो कि उस वक्त का देखते हुए कहो कि कबूल है। ऐसे ही वो शौहर जिसको तुम अभी कह रही हो कबूल है क्योंकि अभी उसकी सरकारी नौकरी है या उसकी निजी नौकरी है या उसके खानदान वाले अच्छे हैं या अभी वो मिनिस्टर है मसलन, और कल को नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, तो अभी तुम ये देखते हुए कहो कि कबूल है कि इसको बड़ा आदमी बनना है, मैं इसके मकसद में साथ हूं, इसने कौम के लिए कुछ करना है। अगर कल को मैं कहूंगी जी बड़ा आदमी हो, काबिल आदमी हो,
अब काबिल आदमी तो मसरूफ रहेगा, फिर आपको नहीं जी आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मुझे इग्नोर करते, तुमने उस वक्त कहा था कबूल है। हाँ। ये टाइम देगा अपने काम को तो बड़ा आदमी बनेगा। काबिल आदमी की बात की तो इसी काबिल आदमी की खोज में हम देखते हैं कि बहुत सारी जो हमारी बहनों के जो निकाह हैं वो काफ़ी लेट भी हो जाते हैं। एक और कॉलर भी साथ है, लेकिन आयशा की जो कॉल थी और वो ये कह रही थी कि उनकी फुप्पो के बेटे के साथ, जी उनकी फुप्पो के बेटे के साथ उनका रिश्ता तय कर दिया गया, और जैसे आपने कहा ना कि ये शर्त में शामिल है कि दोनों की जानिब से चाहत होनी चाहिए। ये निकाह हो ही नहीं सकता जिसमें लड़की की रजामंदी ना हो किसी भी आलम में। देखिए अगर वो छोटी है, आपने एक डिसीजन लिया है, वो स्टॉप रहेगा रहेगा, मगर जब वो बालिग हो गई उससे पूछा जाएगा, उसके साथ सब कुछ चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे एक निकाह की सेरेमनी में, मैं निकाह खां था, सारी चीज़ें बड़ी अच्छे अंदाज से हो रही थी। मैंने पूछ लिया कि वो खवातीन लड़कियों के हवाले से कि उनकी इजाज़त है, वो तो हमारे यहाँ इजाज़त मिल जाती है, लेकिन पूछ ले इजाज़त है हर जगह यही होता है। हाँ वो मसला नहीं, हमारे असल में निकाह खां को लेके नहीं जाते ना खवातीन की तरफ, इसलिए इजाज़त है। मैंने कहा चलो एतबार करता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि फिर भी एक दफा किसी खातून को ले जाएं पूछ लें। अरे बच्ची है 14 साल की, उससे क्या इजाजत लेना? अरे बच्ची है तो निकाह क्यों कर रहे हो फिर उसका? यानी आप सोच देखें कि हम इतने डोमिनेंट हो गए हैं खवातीन के मामले में कि हम उसका निकाह कर रहे हैं, अज्यूम कर लिया कि इजाजत है, उसको शऊर के फैसले लेने का मौका ही नहीं दिया। ऐसी सूरत में कि वो हाँ भी कह देना, वो भी खुद काबिल नहीं है कि वो हाँ और ना के फर्क को समझ सके। ये बड़ा वबाल है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया तारीख में एक बहुत अच्छी मिसाल ये है कि माकबल निकाह को मनसूख नहीं करार दिया। देखिए ये भी आसान तरीका है, क्योंकि दो लोगों की रजामंदी है, शिया का निकाह हो सुन्नी का निकाह हो किसी का भी निकाह हो, निकाह निकाह होता है। हम अपनी तरह निकाह को फिरके में ना बांटे, निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हुब्बु फिल्लाह है और लिल्लाह है। मगर ये कि जब हो गया है ना तो उस पे कामिल यकीन रखना, आपने कर लिया, अब आपने उसको निभाना है, और उससे पहले हजार मर्तबा सोचना है कि ये फैसला आप करने जा रहे हैं किसी के घराने का है। दो लोगों के दरमियान आज निकाह नहीं होता, खानदानों के दरमियान होता है। बिल्कुल किसी प्रेशर में भी नहीं आना। हमारे साथ अस्मा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। जी अस्मा क्या पूछना चाहेंगी? मेरे हस्बैंड ने दो शादियाँ की हैं जी जी, और मैं दूसरी बीवी हूँ। जो मेरी पहले शौहर की बीवी है वो मेरे शौहर को एक तो घर नहीं आने देती, अखराजात भी पूरे ले रही है, अगर वो जाए तो झगड़ा भी करती है। ऐसी औरतों के बारे में मुफ्ती साहब का क्या कहना है? अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अब देखिए यहाँ पे कॉल है की वही एग्जैक्टली जब अदल नहीं कर सकते। अब आप देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक जनाब खतीजतुल कुबरा उनकी ज़िंदगी में थी उन्होंने कोई और निकाह नहीं किया था। अब अगर हज़रत अली की बात भी करें तो जब तक उनके निकाह में जनाब फातिमा तुज़्ज़हरा जब तक वो ज़िंदा थी, ऐसे जनाब खदीजतुल कुबरा जब तक जिंदा थी तो उन्होंने और कोई निकाह नहीं किया था, और उसके बाद जब किया तो उनको भी पता था कि हाँ हम अदल कर सकते हैं, और अगर वो अदल नहीं करेंगे तो और कौन अदल करेगा। तो अब यहाँ पे अब देखें ये जो स्पेशली हमारी बहन की कॉल भी आई है, ये मुल्तान से है, ये इस बात पर परेशान है कि सेकेंड वाइफ है। सऊदी अरब में आप अक्सर देखते हैं, मेरा काफ़ी अलहमदिल्ला आना जाना होता है काफ़ी सऊदी और अरब लोगों वहाँ पर तो सब साथ उसका वहाँ क्या है मैं बताता हूँ। वहाँ ये है वो कहता है जिसकी एक ही बीवी है ना उसको तो मर्द ही नहीं मानते, मिस्कीन समझते हैं, मिस्कीन समझते हैं। अच्छा वहाँ की लड़कियों की शादियां होती हैं अरब मुमालिक में, वो वहाँ रिवाज है, वो मान दिया हुआ है, एक्सेप्ट कर दिया हुआ है। वहाँ की बच्चियाँ कहती हैं मुझे हक में, ये है जो डिफरेंट एशिया यानी पाकिस्तान का और अरब का, वो कहती हैं मेरे लिए हक मेहर क्या लिख रहे हो, वो फलाना कुएं का तेल, तेल का कुआं या फलानी गाड़ियां या फलाना बिजनेस मेरे लिए लिख दिया मेरे हक में। वहाँ पे औरत देखिए स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे तो औरत अगर डिवोर्स भी हो जाती है तो बाद में उसको आराम से दूसरा बार मिल भी जाता है, उसकी अच्छी जगह शादी हो भी जाती है। ये तो हमारे यहाँ अगर किसी की डिवोर्स हो जाए कोई बेवा हो जाए तो फिर इसका मतलब जिंदगी भर वो तन्हा ही है। हमारे यहाँ क्या हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा असर है जी बिल्कुल, तो वहाँ जैसे एक औरत शादी मर्द मर जाता था शौहर के साथ सती कर दी जाती, जला दी जाती थी। ये तो अब खत्म हुआ कुछ अर्सा हुआ 40 साल 50 साल में, तो उन्होंने खत्म की है।